नमस्कार दोस्तों, मैडम मैं आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं TVS अपाची 200 4V के बारे में। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, जिससे कि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो इस वीडियो के अंदर दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स इस गाड़ी के प्राइस के बारे में। तो प्राइस जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना पड़ेगा, आपको वहीं पर इसका सारा प्राइस मिलेगा। और फ्रेंड्स, अगर बात करें एक शोरूम ऑन रोड प्राइस की, तो आपकी सिटी में टैक्स ज़्यादा होने के कारण डिफरेंस आ सकता है, 4 से 5 हज़ार का डिफरेंस आएगा, ज़्यादा डिफरेंस गाड़ी के अंदर नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं, इसके बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर इंजन की बात करी जाए तो सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक ऐसा इंजन दिया जा रहा है। 197.75 cc का आपको इंजन मिलता है। 20.05 PS की पावर दी जा रही है आपको एट द रेट ऑफ 8500 के RPM में। 18.1 Nm का टॉर्क मिलता है एट द रेट ऑफ 7000 के RPM में। नंबर ऑफ सिलेंडर्स की फ्रेंड्स अगर बात करी जाए तो आपको एक दिए जा रहे हैं, पर वेव्स आपको मिलती है वो 4 सिलेंडर्स के बराबर की मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इग्निशन की बात करें तो आपको IDI इग्निशन दिया जा रहा है, ड्यूल मोड डिजिटल इग्निशन, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर फ्रेंड्स बात करें ट्रांसमिशन के बारे में, तो आपको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी के अंदर दिए जा रहे हैं। अगर फ्रेंड्स बात करें इसके टायर के बारे में, तो आपको 17 इंच के व्हील मिलते हैं, आपको एलो व्हील्स दिए जा रहे हैं गाड़ी के अंदर, ट्यूबलेस टायर आपको मिलते हैं गाड़ी के अंदर। और फ्रेंड्स अगर बात करें इसके सस्पेंशन के बारे में, तो आपको फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन दिया जा रहा है। और अगर फ्रेंड्स बात करें फ्रंट ब्रेक के बारे में, तो आपको डिस्क मिलता है। अगर फ्रेंड्स बात करी जाए रियर व्हील के बारे में, तो भी फ्रेंड्स आपको डिस्क ब्रेक ही इस गाड़ी के अंदर दिए जा रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और अगर फ्रेंड्स बात करें रियर सस्पेंशन के बारे में, तो आपको मोनोट्यूब मोनोशॉक सस्पेंशन गाड़ी के अंदर दिए जा रहे हैं, और रियर व्हील भी आपको 17 इंच का ही गाड़ी के अंदर दिया जा रहा है। अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी के ओवरऑल डायमेंशन के बारे में, तो आपको 2050 mm की आपको लेंथ दी जा रही है, 790 mm की आपको विड्थ मिलती है, और 1105 mm की आपको हाइट दी जा रही है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सही है। व्हील बेस की अगर फ्रेंड्स बात करी जाए, तो आपको 1353 mm का आपको व्हील बेस मिलता है, यानी कि 1353 mm का आपको व्हील बेस दिया जा रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर फ्रेंड्स बात करें, तो 180 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, यानी कि 180 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस दिया जा रहा है। सीट हाइट की अगर बात करें, तो आपको कट सीट दी जा रही है, 800 mm की आपको सीट मिलती है, 12 लीटर का आपको फ्यूल टैंक दिया जा रहा है। और कर्ब वेट की अगर ओवरऑल कर्ब वेट की गाड़ी की बात करी जाए, तो 149 kg का आपको कर्ब वेट गाड़ी के अंदर दिया जा रहा है। अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी की बैटरी के बारे में, तो आपको 12V 9Ah की बैटरी दी जा रही है। हेडलैम्प्स की अगर फ्रेंड्स बात करें, तो आपको हेलोजन विद LED पोजीशन लैम्प दिए जा रहे हैं। पायलट लैम्प्स भी आपको LED मिलते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी की टेल लाइट्स के बारे में, तो भी आपको LED टेल लाइट्स दी जा रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा शाइनी लुक आ रहा है इसका। और अभी इतना उजाले के अंदर इसका इतना शाइनी लुक है, तो आप सोच सकते हैं कि नाइट के अंदर कितना अच्छा आता होगा। और ओवरऑल क्वालिटी की फ्रेंड्स बात करें गाड़ी की लाइट्स की, तो बहुत ही जेन्युइन लाइट्स दी हैं आपको। फ्रंट जो इसका है वो भी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी बनाया गया और लग्जरियस लगता है जो इसकी लाइटिंग, जो आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स दी जा रही हैं, जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी। और फ्रेंड्स अगर बात करें इस एडिशन के बारे में, तो ये TVS का रेसिंग एडिशन है, आपको पहली बैजिंग यहाँ पर दी जा रही है। और अगर बात करें दूसरी बैजिंग के बारे में, तो आपको रेस एडिशन की बैजिंग यहाँ पर मिलती है। तो फ्रेंड्स एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है ये। और गाड़ी की अगर फ्रेंड्स बात करें, तो ओवरऑल गाड़ी के अंदर तो आपको बहुत सारी फ़ीचर्स अच्छे दिए गए। अगर फ्रेंड्स बात करें इसके मीटर के बारे में, तो आपको स्पीडोमीटर पूरा डिजिटल दिया जा रहा है, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल इंडिकेटर आपको दिया जा रहा है, सब कुछ आपको डिजिटल मिलता है। वार्निंग लाइट्स के ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है एक सबसे पहला तो। और फ्रेंड्स अगर बात करें इसके इंडिकेटर्स के बारे में, तो आपको यहाँ दोनों तरफ इसका इंडिकेटर्स दिए जा रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। और अगर फ्रेंड्स बात करें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की, तो आपको इस मीटर के अंदर लाइट दी जा रही है, और हेडबीम्स की भी आपको ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। रीसेट करने के ऑप्शन आपको दोनों तरफ दिए जा रहे हैं। और अगर हैंडलिंग की बात करें, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन दिया जा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। गाड़ी के अंदर आपको किक स्टार्ट नहीं दिया जा रहा। और अगर फ्रेंड्स बात करें इसके इधर साइड के बारे में, तो आपको यहाँ पर पास स्विच का ऑप्शन दिया जाता है, हेडबीम्स एडजस्टेबल का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ इंडिकेटर के ऑप्शन दिए जा रहे हैं, हॉर्न का ऑप्शन भी आपको मिलता है। इसका जो हॉर्न है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है गाड़ी का। और अगर फ्रेंड्स बात करें इसके
वार्निंग्स के बारे में तो आपको फ्यूल की वार्निंग यहाँ पर दी जा रही है, और अगर बात करें ओवरऑल लुक के बारे में तो रेस एडिशन का लुक लगता है 200cc RTR का आपको यहाँ पर बैच भी मिलेगा गाड़ी के अंदर। और यहाँ पर ये जो लोगो है इस गाड़ी का, ये बिल्कुल मतलब लगता है कि मस्टैंग से लिया गया है, जो कि फोर्ड कंपनी की कार है। और RTR का जो लुक है, मतलब ये जो बैजिंग करी है बॉडी ग्राफिक्स, जो टोटल ओवरऑल जो बैजिंग करी हुई है गाड़ी के अंदर और जो ग्राफिक्स तैयार करी है और डिज़ाइनिंग जो है, वो बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी फील लाती है। RTR 200 4V की बैजिंग आपको यहाँ पर दी जा रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अपाची की बैजिंग आपको यहाँ पर नीचे मिलेगी, TVS की बैजिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। और अगर फ्रेंड्स बात करें स्लीपर क्लच के बारे में, तो भी आपको इस गाड़ी के अंदर दिया गया है। और फ्रेंड्स अगर बात करें इंजन के बारे में, तो बहुत ही ज़्यादा रिफाइन इंजन है गाड़ी का। और अगर बात करी जाए इन मिरर्स के बारे में, तो फ्रेंड्स क्या कहना, ड्राइवर फ्रेंडली मिरर्स दी जा रही है। गाड़ी की टॉप स्पीड 170 किलोमीटर पर आवर की आपको दी जा रही है, और उसके अंदर जो इन मिरर्स का काम होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इन्होंने मतलब TVS ने कमाल ही कर दिया, इतनी अच्छी ड्राइवर फ्रेंडली मिरर्स बनाई है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। और अगर फ्रेंड्स बात करें इसके लेफ्ट साइड लुक के बारे में, तो आपको गाड़ी के अंदर चौक जो है वो यहाँ पर दी जा रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स फुटरेस्ट की बात करी जाए, तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जेंट्स फुटरेस्ट दिया जा रहा है। लेडीज़ का जो फुटरेस्ट है फ्रेंड्स, वो आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। और अगर फ्रेंड्स बात करें जेंट फुटरेस्ट के बारे में, तो जेंट्स का जो फुटरेस्ट है वो आपको यहाँ से दिखाया जाता है कि इसका जो साइलेंसर से कितना दूर है। यहाँ पर आपको एक एक्सेसरी दी गई है जिससे कि आपके जो शूज़ हैं वो जले ना, तो एक तरीके से यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस है इस गाड़ी को लेने की वजह। और अगर फ्रेंड्स बात करें इंजन जितना गर्म होगा गाड़ी का, क्योंकि 200cc का आप समझ सकते हैं, तो इस वजह से शायद तक आपके जूतों के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप कोई रबड़ के या स्पोर्ट शूज़ पहनते हैं तो उसमें ये ज़रूर प्रॉब्लम आ सकती है। अगर फ्रेंड्स बात करें इस गाड़ी के कलरिंग के बारे में, कलर्स के बारे में, तो फ्रेंड्स आपको वाइट कलर दिया जा रहा है इस गाड़ी के अंदर, रेड कलर आपको मिल जाता है, मैट ब्लैक कलर आपको गाड़ी के अंदर दिया जा रहा है, ग्रे कलर आपको मिल जाता है, और ब्लैक कलर आपको गाड़ी के अंदर दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लुक आपको गाड़ी के अंदर देगा। और फ्रेंड्स अगर बात करें इस गाड़ी की ओवरऑल क्वालिटी के बारे में, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आपको दी गई है। अगर फ्रेंड्स बात करें गाड़ी की रियर सीट्स के बारे में, तो फ्रेंड्स आपको जो पिलियन के लिए सीट दी जा रही है वो कट सीट है, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था। और यहाँ पर आपको एक लॉक मिलता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर जो चीज़ें हैं, आपका जो पूरा टूल किट है वो आपका यहाँ पर आएगा। और अगर फ्रेंड्स बात करें इस स्ट्रिंग के बारे में, तो अगर आप इसको खींचेंगे तो इसकी जो ये फ्रंट सीट है ये भी ओपन हो जाएगी। और फ्रेंड्स अगर बात करें इन दोनों चीज़ों के बारे में, तो ये एक तरीके से कूल फीचर कह सकते हैं, जो कि एक टाइम पे यामाहा R15 में आया करता था, इसके अलावा किसी में नहीं आता था। अब ये चीज़ TVS ने भी लॉन्च कर दी है अपने 200 4V के अंदर। तो फ्रेंड्स एक तरीके से ये प्लस पॉइंट भी है कि आपको जो स्टोरेज एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा मिल जाता है, तो ये एक प्लस पॉइंट TVS ने भी अब ले लिया है अपने नाम। और फ्रेंड्स बात करें गाड़ी की क्वालिटी के बारे में, फ्रेंड्स मैं बार बार बोल रहा हूँ, इतनी अच्छी क्वालिटी दी गई है कि पूछिए मत। और फ्रेंड्स हो सके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर ठोक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आने वाले ऐसी ही गाड़ियों के वीडियोस आप देखते रहेंगे इस चैनल के अंदर। धन्यवाद। गणी खम्मा।